जैसे कि आप सभी किसानों को यह जानकारी मिल चुकी है कि भाई 5 अक्टूबर 2024 में गवर्नमेंट की तरफ से 18वीं किस्त को भेजा जाएगा, बट अभी तक सरकार की तरफ से ये आप लोगों को अपडेट नहीं मिल पाई है कि 5 अक्टूबर में कितने बजे मोदी जी रिमोट का बटन दबाकर आप सभी किसानों को पैसा ट्रांसफर करेंगे। तो आज और अभी ये जानकारी मिल चुकी है, जो कि मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाकर आपको ये सब जानकारी शेयर करने वाला हूं। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों में और जितने भी ऐसे लोग हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं, उन सभी को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो अभी हम चलते हैं डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन पर। आप यहां पर देख सकते हैं कि गवर्नमेंट की एक ऑफिशियली वेबसाइट है mygov.in, इस पर पीएम इवेंट के बारे में जानकारी दी जाती है। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आप क्लिक करके डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पर आकर आप इस इवेंट के बारे में जान सकते हैं। यहां पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि कितने लोगों को पैसा मिल रहा है, कितना करोड़ पैसा बांटा जाएगा और कितने बजे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने रिमोट के बटन को दबाकर आप सभी किसानों के अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करेंगे। तो अभी आप यहां पर लाइव देख लीजिएगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लगभग 9 करोड़ से अधिक किसानों को 18वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर करेंगे और इस इवेंट के माध्यम से किसानों के साथ बातचीत भी करेंगे। और इसी के साथ आप देख पा रहे हैं यहां पर 5 अक्टूबर 2024 डेट भी मेंशन कर दी गई है और साथ ही साथ में आप यहां पर टाइम भी देख लीजिएगा, करेक्ट दिन में 12 बजे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी रिमोट का बटन दबाकर आप सभी किसानों के अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करेंगे। और इसी के साथ एक मैसेज और भी यहां पे आपको देखने को मिल जाता है, डिजिटल ट्रांसफर ऑफ 18 इंस्टॉलमेंट बाय सिंगल प्रेस ऑफ अ बटन टू मोर देन 9 करोड़ पीएम किसान बेनिफिशियरीज बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, यानी कि लगभग इस बार 9 करोड़ से अधिक किसानों को 18वीं किस्त का पैसा मिलेगा। अब यहां पर इस इवेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी महाराष्ट्र के वाशिम से इस सभा को संबोधित करेंगे, ये इवेंट वहां पे ऑर्गेनाइज होगा जिसके माध्यम से किसानों से बातचीत भी होगी और आप सभी किसानों को डायरेक्टली घर बैठे 2000 रुपए का अमाउंट मिलेगा आपके पीएम किसान सम्मान निधि योजना के मुताबिक। अब अगर आप चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरफ से इस इवेंट को जो ऑर्गेनाइज किया जाएगा आप अपने मोबाइल पर लाइव देख पाएं, इसके लिए आपको एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना होता है। यहां पर आपको रजिस्टर नाउ वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसपे अभी तक लगभग 49 लोग रजिस्टर कर चुके हैं। अगर आप यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आप अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के माध्यम से ओटीपी के थ्रू यहां पे लॉगिन कर पाएंगे या फिर आप मेरी पहचान है गवर्नमेंट की एक सर्विस है उस पर अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो उसके माध्यम से भी आप यहां पे लॉगिन कर पाएंगे। इस पेज के माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको नोटिफिकेशन भी जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई इस टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की ये सभा संबोधित होने वाली है, शुरू होने वाली है, जिसका लाइव प्रसारण आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से देख पाएंगे। तो इस प्रकार से यहां पर आपको ये सारी जानकारी मिल जाती है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कौन सी डेट में और कितने बजे आपको ये पैसा ट्रांसफर करने वाले हैं और कौन सी इंस्टॉलमेंट का पैसा आपको मिलेगा। ये सब जानकारी यहां पे आपको इस वेबसाइट पर मिलती है, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप जाकर आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे। अब यहां पर एक और खास जानकारी मैं आपको यह भी दे दूं कि अपडेट के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी रिमोट का बटन दबाकर करेक्ट 12 बजे आप सभी किसानों को पैसा ट्रांसफर करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लगभग 20,000 करोड़ की धनराशि आप सभी किसानों को ट्रांसफर की जाएगी। तो एक बार जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी रिमोट का बटन दबाएंगे तो धीरे धीरे पैसा ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। यह जरूरी नहीं है कि 20,000 करोड़ रुपया वन क्लिक पर आपको सभी को प्राप्त हो जाए, क्योंकि जब मोदी जी रिमोट का बटन दबाते हैं तो पैसा एक साथ ही ट्रांसफर होता है गवर्नमेंट की तरफ से, पैसा सारा निकल जाता है बट बैंक प्रोसेस होने में कभी कभी समय लग जाता है। काफी सारे किसानों को एग्जैक्टली 12 बजे ही मैसेज आ जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से और बैंक की तरफ से भी, और कुछ किसानों को शाम तक पैसा मिलता रहेगा और उसके बाद अगली डेट में यानी कि 6 अक्टूबर से अगर हम बात करें तो बाकी के वो किसान जो जिनको पिछली किस्तों का पैसा नहीं मिला था या जिनकी किस्तें रुकी हुई हैं या जिनको 5 अक्टूबर में पैसा नहीं मिल पाया होगा उनको 6 अक्टूबर से मिलना शुरू हो जाएगा और लगभग ये कहानी अगले एक महीने तक ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक बहुत बड़ा डेटा होता है। जिस दिन किस्त को ट्रांसफर करना होता है ये जरूरी नहीं है कि सभी किसानों को सेम डे पैसा पहुंचे। तो अगर आपको 5 अक्टूबर में पैसा रिसीव नहीं हो पाता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा वेट करना होगा। तो अब आपका टोटली ये इंतजार खत्म हो चुका है कि भाई कौन सी डेट में और कितने बजे और कहां से पैसा ट्रांसफर होगा, इसकी पूरी कंप्लीट जानकारी आपको मिल चुकी है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।